और ओट्स उत्तपम प्याज टमाटर की चटनी के साथ। चलिए बताएं कैसे बनाया। गुड इज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे ओट्स और पोहे का उत्तपम। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप देखिए पोहा लिया है। इस 1 कप पोहे को अच्छे से धो के और भिगो देंगे 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर बाकी का सामान लेके और आगे का काम करेंगे। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। ये पोहा धुल गया अच्छे से, लेकिन अब हमें इसको भिगोना भी है। तो हम किसी ऐसे इसी बर्तन में, छोटे बर्तन में डालेंगे ताकि थोड़ा सा भीगा रहे। और पानी डाल देंगे ताकि नीचे से इसके ऊपर थोड़ा पानी लगता रहे। देखिए मैं इस भगोने को पूरा भर रही हूँ पानी से, ताकि नीचे से इस पे पानी लगता रहे और थोड़ा ये भीगा रहे। 10 मिनट इसको भिगो लेते हैं और उसके बाद आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमारा पोहा कितने अच्छे से फूल गया। तो अब यहाँ से मैं पानी हटा देती हूँ और इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप ओट्स और बाइंडिंग के लिए 1/4 कप सूजी। साथ में और भी चीजें जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर दिया है। ये साथ में डालूंगी। यहाँ पर है मेरे पास 1/2 कप और साथ में 1/4 कप और दही, ये डाल दूंगी। और पानी डाल दूंगी 1/2 कप, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे, जैसे इडली या डोसे का बैटर होता है वैसा, उतना गाढ़ा। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो लीजिए ये बैटर बनाने में मुझे 1/2 कप पानी और लगा, यानी कि 1 पूरा कप पानी और दही, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3/4। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल जैसे इडली डोसा के बैटर की होती है वैसी है। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में से निकाल लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए ये काफी सारा बैटर है, तो इसमें से आधा मैं निकाल के रख दूंगी अलग। आप भी इस तरीके से इकट्ठा बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप सामान ले सकते हैं। तो मैंने ये 1/2 बैटर कर दिया अलग, और अब इसमें बाकी चीजें मिक्स कर देते हैं। लीजिए इसमें 1 चम्मच सबसे पहले जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपके स्वाद अनुसार सब्जियां। मैंने यहाँ पर लिए है 1 गाजर कद्दूकस की हुई, थोड़ी सी पत्ता गोभी, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। यहाँ पर है हमारे पास 1 मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का टमाटर। इसके अलावा इसमें जाएंगे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल देती हूँ काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। ये जीरा पाउडर हमने घर में ही बनाया है, हम जनरली मार्केट की कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लाते पिसी हुई, ज़्यादातर हम घर में ही पीसते हैं हर चीज़ को। और स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक।
मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो जब तक हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तब तक हम एक अमेजिंग सी इसके साथ चटनी भी तैयार कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको रेस्ट पे रख देती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी भी बाद में डाल देंगे, क्योंकि नमक से वैसे तो सब्जियों को पानी छोड़ना चाहिए, तो और ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल अगर ज़रूरत हुई तो बनाते वक्त ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। वैसे तो अभी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड और चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है पैन और इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। इस 1 चम्मच ऑयल में 1 टेबलस्पून सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चने की दाल। इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी। वैसे तो आप चाहें तो उसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, उत्तपम को कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं, पर सोचा कि आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट चटनी दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है, लाल करेंगे तो कड़क हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा हो गया रोस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम प्याज जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, और प्याज के साथ ही डाल दूंगी 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। सिर्फ सॉफ्ट पड़ने तक भूनना है, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो प्याज छोटे छोटे भी काट सकते हैं, बट पीसने ही है तो इसीलिए मैंने कोई तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करना जरूरी नहीं समझा बारीक काटने की। प्याज हो गए हमारे लाइट पिंक, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 रफली चॉप मीडियम साइज के टमाटर, और ये टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। एक बार ये सॉफ्ट होने तक भून जाएगा तो इसको ठंडा करना रख देंगे और फिर इसको बाद में पीस देंगे। हम इसमें साथ के साथ नमक डाल देंगे ताकि टमाटर के भुनने की प्रोसेस जो है वो थोड़ी जल्दी हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगी। स्वाद अनुसार नमक, और इसको ढक के पकने देंगे ताकि ये फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। जिस टमाटर हो गए सॉफ्ट और मछी, तो अब इसमें इसके बाद आप या तो इमली का पल्प या इमली का पानी या फिर नींबू कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का। अब इसको मैं ठंडा होना रख दूंगी और अब उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। चटनी थोड़ी सी थी तो वो तैयार ही हो गई, तो अब हम तड़का भी प्रिपेयर कर ही लेते हैं उसका, और फिर उसके बाद उत्तपम एक ही बार बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना ऑयल ले लिया है तड़का पैन में, और गैस पर रख दिया है, इसे गर्म हो रहा है ऑयल। 1 चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी सरसों, इनफैक्ट चटनी कम है तो 3/4 चम्मच जितना ही डाल रही हूँ। सरसों तड़क जाएगा तो हम गैस बंद करके इसको चटनी पर डाल देंगे। लीजिए गरम गरम तड़का गया चटनी के ऊपर, देखने में भी अच्छा लगता है। आपके पास करी पत्ता हो तो आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं। इसको मैं अभी देखिए रख देती हूँ साइड में, और उत्तपम के लिए यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये है 1 पिंच जितना
बेकिंग सोडा जो कि मैं इसमें डाल दूंगी, और इस सोडा को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर एक टीस्पून डाल दूंगी मैं नींबू। ये देखिए बबल्स आने लगे एकदम से, तो इसको अब कर देंगे मिक्स और बस फटाफट से बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें दो बूंद जितना पानी डाल दूंगी मैं अभी, और फिर हम इसको शुरू करते हैं। तवा रख दिया है मैंने गरम करना गैस पर। तो लीजिए यहाँ पे तवा गरम हो गया, मैं इसके ऊपर ऑयल से ब्रश कर रही हूँ, उसे बहुत कम ऑयल में बन जाता है ये। और इसमें अब डाल देंगे ये बैटर, आप चाहें तो मिनी उत्तपम भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा पैन है तो छोटे 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 बना लीजिए, और चाहें तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ थोड़ा बड़ा करके वैसे बना सकते हैं। छोटे छोटे देखने में तो अच्छे लगते हैं पर उसको बनाने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम एक ही बार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कम सेक पर बनाएंगे और ढककर बनाएंगे। दो से तीन मिनट इसको एक साइड में बनने में लग जाएंगे, तो मैंने इसे ढक दिया है और अब दो से तीन मिनट में इसको पलटते हैं। लीजिए ये एक साइड हो गई, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड से भी ऑयल से हल्का सा ब्रश कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी हल्का हल्का पक गया है, तो ब्रश पे बैटर नहीं लगेगा, तो इसको मैंने हल्का सा ब्रश कर दिया और अब मैं इसको पलट दूंगी। बहुत ध्यान से पलटना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है तो टूटने का डर रहता है, तो आप इसको दूसरी साइड से भी पकने देंगे। दूसरी साइड से बगैर ढके भी आप पका सकते हैं क्योंकि नीचे से काफ़ी कुछ ऊपर भी पक चुका है। तो अब ये एक बार बन जाता है और एक और बना के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए हमारे उत्तपम विद चटनी बनकर तैयार हैं, आप भी इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, मैं आपको बोल बोल के थक गए, आप करते नहीं हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।